Mm. -hmm. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो क्योंकि वह अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मे बरसाता है क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या हजर है क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो बस चाहिए कि तुम कामिल हो चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है आप सब जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और खुदा यूसुम मसीह के प्यार की बशारत खुशखबरी सुन रहे हैं आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम और बार बार मेरा दिल यही अंदर से कहता है कि शुक्र कर उन भाई बहनों के लिए जिन्हें खुदा ने अपने लिए अलग कर लिया है और उनके जरिए से बहने हैं भाई हैं उनके जरिए से तमाम दुनिया में कलाम सुनाया जा रहा है हर जुबान में तरह तरह की जुबानें हर जबान में लोग खुदा की उस मोहब्बत का जिक्र सुन रहे हैं जो खुदा ने अपने कलाम में ज़ाहिर की है वो कलाम जो जिसम में जाहिर हुआ, जिसका नाम यसु अमानुएल है आप जो कलाम सुनाते हैं प्यारे भाई प्यारी बहन आपको मेरा सलाम पहुँचे मैं खुदा का शुक्र गुज़ार आप सब के लिए मुझे आप सब के कलाम को सुनकर बहुत फ़ायदा होता है खुदा आपको बड़ी बरकत दे में जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं खुदा का वो कलाम जिसकी तासीर बड़ी जबरदस्त है ये खुदा का वो कलाम है जो जिसमें जाहिर हुआ है जिसके बारे में हम जानते हैं कि खुदा जब कलाम करता है तो जो कुछ वो कहता हो जाता है जो है नहीं वो वजूद में आ जाता वो हो जाता है वही कलाम है जो जिसमें जाहिर हुआ और फिर जो कुछ उसने कहा है उसमें खुदा की मोहब्बत का इजहार है जो कुछ मसीह ने कहा है सुनने वाले की ज़िंदगी में खुदा की कुदरत जाहिर होती है ताकत पैदा हो जाती है और वो बदल कर और ही तरह का इंसान हो जाता है ये बिल्कुल सच बात है खुदा का शुक्र उन सब भाइन भाइयों के लिए प्यारी बहनों के लिए प्यारे भाइयों के लिए जो खुदा का कलाम सुना रहे हैं तमाम दुनिया में तरह तरह की ज़बानों में ये कलाम सुनाया जा रहा है क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत है खुदा यूसु मसीह ने यह बताया है कि उसकी दूसरी आमद से पहले पहले तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी हो चुकी होगी कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे मालूम नहीं था इसलिए हर जबान में तमाम दुनिया में कितनी जबान है हर जबान में लोग सुनते और कमाल की बात यह है कि उनको चाहे वो अपनी ज़बान में सुन रहे हैं मैं नहीं समझूंगा उनकी ज़बान लेकिन वो खुदा की आवाज़ को पहचान लेते ये बात खुदा ने कही है इस बात में खुदा का प्यार है ये बात मुझसे कही जा रही है और तमाम दुनिया में लोग उसकी आवाज़ पहचान कर उसके पास आ रहे हैं और फिर वो ये अगवाही देते हैं बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं खुदा का शुक्र हो उन सब के लिए जो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं उनके हालात सबके आसान नहीं है लेकिन वो जो उनके अंदर आ गया है खुदा का पाकरू उसके लिए, लिए लिखा कि जब तुम रूहल कुद्स पाओगे जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुत पाओगे और तमाम दुनिया में दुनिया के इंतहा तक मेरी गवाही दोगे और दे रहे हैं वो <laughs> खुदा का शुक्र उन सब के लिए खुदा का शुक्र हो खास तौर पर ये जहाँ खुदा का कलाम जाता है वो उसको दुनिया भर में भेज देते हैं जो स्टार टी वी ऐसा चैनल है जहां पर मैं बहुत सारे अपने मसीही भाई बहनों का कलाम सुनता हूँ उनसे सीखता हूँ शुक्र करता हूँ खुदा का जॉय टीवी और दूसरा एक और है पैगाम टीवी मेरी इन दोनों से बातचीत होती रहती है ख़ुदा का शुक्र उन सब के लिए और हमारे लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल रखा है कि खुदा का कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचाया जाए आप सबको मेरा सलाम मेरा दिल शुक्रगुजार है आप सब के लिए आप भी जो सुनते हैं दुआ करें एक दूसरे के लिए इन दोनों चैनल्स को दुआ में याद रखें और ये जो बोलने वाले हैं कलाम सुनाने वाले हैं, भाई और बहने अगर हो सके तो आप ज़रूर उनको फ़ोन करें उनकी हिम्मत बढ़ाएं ये बहुत ज़रूरी है और अगर खुदा आपको तौफ़ीक दे तो कुछ करें उनके लिए मदद करें उनकी सब कुछ आसानी से तो नहीं होता लेकिन अगर खुदा आपको कहे खुदाबंद अगर आपको हुक्म देता है तो नाफरमान ना हो इनकी मदद करें शुक्र करें खुदा का उनकी मदद करें आ, मैं उनके सब के लिए दुआ करता हूँ आप जो भी हैं मेरी दुआ है कि खुदा आपकी हिम्मत बढ़ाए और आप उससे सुन कर सुनाया करें ये जो है तरह तरह से लोग सीख लेते हैं खुदा का कलाम फिर सुनाते हैं मैं उसको कहा करता हूँ ब्रदर गूगल वो सब कुछ जानते हैं जो किसी को नहीं मालूम ब्रदर गूगल को पता दो मिनट में आपको तैयार मिल जाएगा सारे ख़्यालत उनको प्रचार कर सकते हैं लेकिन कैसे मुबारक हैं वो जो घुटनों पर पड़े रहते हैं रोजा रख के और खुदा की मिन्नत करते हैं खुदा उन मुझे बता के मैं क्या कहूं बड़े मुबारक हैं वो लोग जो सुनकर सुनाते हैं उनके कलाम में तासीर होती है जबरदस्त तासीर होती है और खुदा उनसे उन खुश होता है अपने घुटने भी खुदा उनके सपूर्द कर दो वो लोग जो घुटनों पर चलते हैं वो ज्यादा तेज रफ्तार हैं घुटनों पर चलने वाले ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद मुझ पर भी रहम करे और खुदा आपको तौफीक दे मेरा नाम आप जानते हो मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मेरे दिल की ख्वाहिश यह है जो खुदा के कलाम में है मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूँगा उसकी तमजीद शुक्रगुजारी उसकी हम हमेशा मेरी जबान पर रहेगी और यही मैं दुआ करता हूँ कि जब तक तू मुझे सांस देता है ये बात मेरी ज़िंदगी में हो कि मैं जब तक मेरा वजूद है मैं खुदावंद अपने खुदा की मदा सराय करूँगा मैं खुदावंद अपने खुदा के प्यार की मुनादी करना चाहता हूँ दुआ करें कि खुदा मुझे गिरने से बचाए तकबुर से बचाए फजूल बातों से बचाए हिम्मत दे मोहब्बत की तासीर हो मोहब्बत की ताकत से मैं लोगों पर जाहिर कर सकूँ कि अगर ये खुदा के बंदे ने कहा मुझसे दूर ना रहे क्योंकि मुसीबत करीब है मेरे लिए यही भला कि खुदा उनकी नज़दीकी हासिल करूँ इस बात को ज़ाहिर करने से कभी ना हम झिझकें कि खुदा को गुनाह से नफरत है इसलिए नफरत है कि गुना उसके प्यारे बच्चों को बर्बाद करता है उसके प्यारे खादिमों को बर्बाद करता है गुना इसलिए खुदा को गुनाह से नफरत है और वो चाहता है कि सब उसकी शफकत और उसकी मोहब्बत से लिपटे रहें मसीह से लिपटे रहें जो खुदा की मोहब्बत है देखो आज खुदा के कलाम में से हम एक बात देखते हैं जो हमने पढ़ी चाहिए कि तुम कामिल हो कौन कामिल हो सकता है आसमान के <laughs> खालिक और मालिक और बादशाह की तरह कौन हो सकता है उसका खुद उसकी पाकिजगी के नजदीक कौन जा सकता है खुदा के बंदे दाऊद ने कहा इंसान है क्या जो गुनाह को पानी की तरह पीता वो कहां से हो जाएगा पाक कौन कह सकता कि मैंने अपने हाथों को साफ कर लिया अपने गुनाहों से अपने आप को पाक कर लिया कोई नहीं कह सकता खुदा के कलाम में बताया अगर कोई यूं कह कि मैंने गुनाह नहीं किया तो वो खुदा को झूठा ठहराता तोबा तोबा हम सब गुनाहगार हैं हलाकत मुंतजिर है लेकिन देखो खुदा का रहम यहां लिखा चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है कैसे हो सकता है हम कैसे खुदा का कमाल हमारी जिंदगी में जाहिर हो सकता है उसने अपने कलाम को इस दुनिया में भेजा है और कहा है इसका नाम है यस्सु जिसका मतलब है नजात इसका मतलब है अमानुएल ये तुम्हारे साथ रहेगा इसके होने से तुम्हारी जिंदगी में खुदा का कमाल ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा वो कैसे मती की इंजील में देखिए जरा मेरे साथ ये अपने शागिर्दों से खुदांद कह रहा है जो उस पर ईमान लाए हैं जो अब खुदा को जब उससे मुखातिब होते हैं दुआ करते हैं तो कहते हैं आए हमारे बाप इसलिए कि उनकी नई पैदाइश हो चुकी है जितनों ने खुदा यूसू मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बेटे बेटियां बनने का इख्तियार दिया है हक दे दिया है वो ना खून से ना जिसम की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादे से ये कोई जिस्मानी पैदाइश नहीं है ये रूहानी पैदाइश है ताकि खुदा जो रूह है उसके साथ इस रूह का मेल हो जाए फिर खुदा उनका पाक रूह उनकी ज़िंदगी में काम करता है और देखो खुदा मसीह अपने शागिर्दों को क्या कह रहा अब तुम दुनिया के नमक हो ये की किल पांचवा बाब और तेरह से लेकर सोलह तक इसमें ये तीन ऐसी बातें हैं जो इंसान अपने लिए पैदा नहीं कर सकता लेकिन जब कोई अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे तो खुदा का कमाल उनकी ज़िंदगी में जाहिर होता है कमाल ये होता है कि वो शख्स जिसकी हर बात में कड़वाहट है हर बात में जहर है हर बात में अपने बारे में फ़ख्र है दूसरों की वो निंदा करता उनको हकीर जानता उसकी जबान में जहर है कमाल खुदा का इस तरह ज़ाहिर होता कि वही आदमी ऐसी बातें कहना शुरू कर देता है जिनमें नमक कसा असर होता है नमक नमकीन खाने में असर पैदा कर देता है खुश जायका हो जाता है और भी बहुत सारी तासीरें खुदा के कलाम में बताया गया है कि तुम्हारा कलाम फजल और नमकीन हो इसमें खुदा का फजल और अच्छी फजूल बातें ना हो, वरना हमारे कमा कलाम में तो फजूल बातें जिनसे ना किसी और को फ़ायदा ना हमें फ़ायदा ना खुदा को खुशी वो बातें हमारी ज़बान पर बसी हुई होती कुछ ऐसे लोग हैं किसी के घर चले जाएं तो अच्छे खासे मियाँ बीबी प्यार से रहने वाले एक दूसरे को तलाक देने को तैयार हो जाएंगे ऐसी बात कह देंगे पानी में आग लगा देते हैं वो शैतान ने ऐसी ताकत दी उनकी जबान में पानी में आग लगा देते हैं लेकिन तुम तुम्हारी जबान पर खुदा का फजल होना चाहिए तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें जवाब देना आ जाए कोई बात करे तो तुम जब बोलो तो जैसे कहते ना कि बोले तो फूल झड़ते <laughs> फूल झड़े खुशबू पैदा हो जहां आप कुछ कह दें वाला सोचे और कहते ये क्या बात कर रहे थे ये सुनो ये खुदा का कमाल है ये मसीह कहता है तुम जमीन के तुम दुनिया के नमक हो तुम्हारे अंदर खुदा के फजल का जायका होना चाहिए फजूल बातें दूर हो जाएंगी ये कमाल है खुदा का जो उस आदमी की जिंदगी में जाहिर होता है जो मसीह पर ईमान लाने के बाद कहता है खुदा फरमा के तेरा बंदा सुनता है क्या कहूं दूसरा यह कहा गया कि तुम जमीन के नूर हो कहा इस दुनिया की तारीखी बढ़ती चली जा रही है ऐसी तारीखी के इंसान को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा क्या सच है क्या झूठ है इसकी पहचान होनी मुश्किल हो लो गई है लोग इतनी सच्चाई से झूठ बोलते हैं <laughs> <laughs> सुनने वाला हैरान रह जाए इतनी सच्चाई से झूठ बोलते यह है करिश्मा शैतान का लेकिन खुदा का कमाल यह है कि उसने लिखा है, उसने तुम्हें तारीकी, तारीकी के कब्जे से छुड़ा कर अपने बेटे की बादशाहत में दाखिल कर दिया उस नूर में दाखिल कर दिया है कि तुम नूरानी हो गए तुम दुनिया का नूर बन गए यह नहीं कि तुम्हें नूर नजर आ गया तुम्हें सच्चाई का पता लग गया तुम सच बन गए हो तुम्हारी हर बात में खुदा की सच्चाई जाहिर हो रही है यह है खुदा का वो कमाल जिसके लिए लिखा अपने बाप के मानंद हो जाओ जो कामिल है तुम नहीं होगे कामिल लेकिन वो कमाल कर देगा तुम्हारी जिंदगी में यह खुदा का कमाल है कि जो आदमी तारीकी में है जिसके काम अंधेरे में होते हैं जिसकी बातों में सिवाय नापाकी के और कुछ नहीं है खुदा का कमाल ये देखो मसीह कहता है मुझ पर ईमान ला तो तेरा बाप के साथ ऐसा रिश्ता हो जाएगा कि वो कमाल करके दिखाएगा दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे देख के कि इसकी बातों में ये बात कहां से आ गई इसकी बातों में ये बात कहां से आ गई अब उनसे पूछो वो कहेंगे भाई मेरी तरफ क्या देखते हो उसकी तरफ देखो मेरे आसमानी बाप की तरफ उसका कमाल है और मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि उसका जलाल जाहिर हो तुम दुनिया का नमक हो तुम नमक हो और तुम नूर हो और फिर तुछ तुछ तुम्हारी नेकी के काम हैं इनमें फ़र्क है, इन है। नेकी के काम इसलिए नहीं है ताकि तुम लोगों के सामने अपने आप को नेक साबित कर सको इसलिए नहीं है ना अपने काम नेकी के काम दिखाने लिए के, दिखाने के लिए जाहिर ना करो लंबी लंबी दुआ करनी और फिर लोगों को बता बता के ख़ैरात करनी कहते ये तो तुम अपनी अपनी नेक नामी के लिए कर रहे हो जब तुम्हारा बाप तुम्हारे अंदर अपनी नेकी का कमाल ज़ाहिर करेगा तो तुम्हारी नेकी का मकसद ही बदल जाएगा ये नजात पाने के लिए खुदा को रिश्वत नहीं देनी है कि जी मैंने नेक काम किया तो तू मुझे नजात दे ना 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 ये नजात की कीमत नहीं है और ना ही ये इंसान की उस उस आदमी की उस औरत की अपनी नेक नामी के लिए कि लोग तुम्हें बड़ा अच्छा जाने के साथ बड़ा रोज़ेदार है बड़ा दुआ गो है बहुत भला आदमी बड़ी बड़ी औरत है बहुत अच्छी ये अपनी नेकनामी के लिए नहीं है और फिर यहां लिखा है तुम्हारी नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तंजीद करें ये काम जब खुदा कमाल करता किसी की जिंदगी में तो उसकी हर बात पर उसके कमाल उसके काम में खुदा का कमाल जारी होता जाहिर होता और लोग खुदा की तारीफ करते भाई खुदा ने कमाल कर दिया ये आदमी ये और क्या हुआ इन्हें देखो इनकी बातों में किस किस्म का नमक और फजल है देखो ये अंधेरे में रहते थे अब देखो इनकी जिंदगी में किस किस्म का खुदा का नूर आ गया और, और तो और इनके कामों को देखो इनकी नेकी बिल्कुल फर्क है अपनी तारीफ के लिए नहीं करते किसी की मदद इबादत इसलिए नहीं करते कि लोग देख के कहें बड़ा आबिद है ना 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 ये तो खुदा का कमाल दिखा रहे हैं कि देखो क्या मेरी जिंदगी थी क्या मैं मौत के कब्जे में था नापाकी का इख्तियार था मुझ पर मेरे गंदे ख्याल मेरी जबान गंदी मेरी आँखें गंदी हर काम गंदा था यह क्या कमाल किया खुदा तो ये यह तेरा कमाल है यह तेरा जलाल है कि मेरी जबान पर तेरी तमजीद बस गई है मेरी जिंदगी में वो काम हो रहे हैं जिन्हें लोग देख के हैरान होते हम ये गुनागार हैरत का बायस हो जाता है हैरान कौन बातें उसकी जिंदगी में होती लोग उसका कलाम सुनकर हैरान होते और कहते क्या ये वही नहीं है जैसे एक अंधा था उसकी आंखें खोल दी थी खुदा उस मसीह ने क्या ये वही नहीं है जो अंधा पैदा हुआ था क्या वही नहीं है जिसके माँ बाप को हम जानते हैं हाँ वही है <laughs> उस बेचारे अंधे ने कहा हाँ मैं वही हूं लेकिन ये मसीह का कमाल है उन गुनागारों की गवाहियां सुने आपको जरा भी उनमें तकबर घमंड नहीं होगा वो कभी अपनी बात नहीं करेंगे वो अपने नाम को ऊंचा नहीं करेंगे वो अपने काम दिखाने के लिए नहीं करेंगे वो खुदा को काम दे दे के यूं नहीं कहेंगे कि मैंने बड़े अच्छे काम किए इसलिए तू मुझे नजात दे ये नजात के काम नहीं नजात का नतीजा है नजात की वजह से ये काम हो रहे हैं कि जिंदगी में नमक है पुरफजल कमाल की बातें हैं अंधेरे की बातें निकल गई हैं उस वो कहते हैं हमको उसने नूर के कब्जे में कर लिया हमें तारीखी के कब्जे से छुड़ा कर उस नूर में दाखिल कर दिया जिसमें वो खुद है ये खुदा का कमाल है इंसान का नहीं है खुदा का कमाल है इसलिए जब वो नेक काम करते तो वो नेकी को देख कर लोग उनसे अगर कुछ कहे भी तो कहते भैया मेरी बात मत करो ये मेरा कमाल नहीं है तुम्हारे नेक कामों को देख कर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें और कहें कि देखो खुदा ने क्या कमाल किया इस औरत की जिंदगी में हमने तो ठुकरा दिया था हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इसे घर में भी आने देंगे अब इसे देख के हम खड़े हो जाते हैं, कहते जी कुछ बताइए खुदा के कलाम की कोई बात सुनाइए क्या क्या है ये ये किस किस्म का फजल है जो खुदा जो उस मसीह के वसीले से तमाम दुनिया को दिया जा रहा है लिखा शरीय तो मूसा की मार्फत दी गई खुदा का शुक्र हो शरीत के लिए लेकिन फजल मसीह की मार्फत हमको मिला है ये वो फज़ल है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है और खुदा कमाल ज़ाहिर करता है गुनागार की ज़िंदगी में अपनी पाकिजगी ज़ाहिर करेगा गुनागार की ज़िंदगी में से हिमाकत निकाल देगा और हमत उसके अंदर उंडेल देता है वो हमत जो ऊपर से आती अव्वल तो वो पाक होती है सबसे पहला निशान यह है कि नापाकी दूर होगी पाकि पैदा हो जाएगी ये सब बातें देख के लोग हैरान होते हैं और जिसकी जिंदगी में ये बातें होती हैं उसकी जिंदगी में हलीबी और फिरोतनी होती वह कभी नहीं भूलता ये बात कहने के लिए कभी चूकेगा नहीं मैं अंधा था अब देखता हूं अरे मैं तो गुनाह के कब्जे में था उसने मुझे छुड़ाया देखो खुदा का कमाल ये खुदा का कमाल है कि जिंदगी के अंदर नमक होगा जिंदगी के अंदर नूर होगा जिंदगी के अंदर नेकी होगी और यह सब कुछ इसलिए होगा कि जब लोग पूछें तो खुदा का बंदा हलीमी से कह सके मुझ पर रहम हुआ है मुझे रिहाई दी है <laughs> ये खुदा की वो राह है जो इस दुनिया में जाहिर हुई है जिसने कहा है मैं हूं राह जिंदगी मैं हूं तो जो इस राह को चुन ले तो इस रास्ते में ये बातें जाहिर होती हैं इस राह इस रास्ते पे चलने वाले की ज़िंदगी में ये बातें जाहिर होने लगती हैं राह और हक़ और जिंदगी मैं हूँ मेरे पीछे आओ तो खुदा का कमाल तुम्हारी ज़िंदगी में जाहिर होगा जो उस पर भरोसा करते हुए शर्मिंदा नहीं होते उनकी जिंदगी में शादबानी होती है और उनकी जिंदगी के अंदर एक शहादत होती है वो इस बात के शाहिद होते हैं कहती मैंने देखा है मैं जानता हूं और देखो ये खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या किया है फिर जब वो शहीद होते हैं वही होते हैं जो शहीद होते हैं सही तौर पर तो वो देखते हैं कि खुदा ने आसमान पर उनके लिए क्या तैयार कर रखा है अरे देखो खुदा का कमाल खुदा का कमाल देखो पहला शहीद ऊपर देख के कह रहा है अरे देखो तो मेरे लिए तो खुदा खड़ा मेरी इंतजार कर रहा है आए खुदांद तो इनको माफ कर दे इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं ये है खुदा का कमाल शहीद की जिंदगी में कि वो जाते जाते सताने वालों को कुछ दे जाता है कुछ कर जाता है उनके लिए ताकि खुदा जो नेक है कामिल है उसकी नेकी का कमाल जिंदगी में जाहिर हो खुदा उनका शुक्र हो खुदा उनका बहुत शुक्र हो इस बात के लिए मेरे प्यारे भाइयों ये खुदा की दावत है प्यार की क्या हाल है आपका आपकी जिंदगी का क्या हाल है घर का क्या हाल है देखो तो खुदा का कमाल इंतज़ार कर रहा है खुदा जो कामिल है उसका हाथ बढ़ा हुआ मेरे पास आ मेरे बच्चे मेरे पास आ मेरी बेटी तेरी जिंदगी में कैसी मुसीबतें पैदा हो गई तूने किस रास्ते को इख्तियार कर लिया देख तेरा क्या हाल हो गया इधर ये तो तेरे काम इधर आ इधर आ मेरे पास आ मैं अपनी तेरी जिंदगी में अपना कमाल ज़ाहिर करूंगा <laughs> तू भी हैरान हो देखने वाले भी हैरान हो और फिर लोगों को पता लगे तेरी जिंदगी को देख के कि खुदा उसकी जिंदगी में जिसके अंदर सिवाय नापाकी के नाउमीदी के शर्मिंदगी और कुछ नहीं है उसे खुदा दुनिया के सामने पेश करके कहता है कि ये देखो ये मेरा कमाल है मैंने इसको नमक बना दिया <laughs> इसकी बातें पुरफजल और नमकीन है मैंने इसे अंधेरे में से निकाल कर रोशनी बना दिया है इसके जरिए से मेरा नूर दुनिया में जाहिर हो रहा है और इसको कामों को देख कर लोग हैरान होते हैं कि ये वो काम है जो खुदा के कामिल काम है जो खुदा की कमाल को जाहिर करते हैं वो इसकी ज़िंदगी में जाहिर हो रहा है मेरे प्यारे भाई आप कह क्यों नहीं देते खुदा उनको कि मैं भी तैयार हूं मुझ पर भी रहूँगा इसीलिए तो वह आपसे बात कर रहा है मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन इसीलिए वह आपसे बात कर रहा है। खुदावन के नाम की बड़ाई हो उसके नाम की तमजीद हो उसका शुक्र हो कि खुदावन ने जो बात फरमाई थी हुक्म दिया था वो मैंने आप तक पहुंचा दी जहां गलती हुई है जहां बात ठीक नहीं हुई है तो खुदा मुझ पर रहम करे आपको भी अगर कोई बात बुरी लगी है कोई बात ऐसी हुई है तो आपसे माफ़ी चाहता हूं लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये बात तो खुदा उनकी तरफ से है तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें जो निकम्मी जिंदगियां हैं उनकी जिंदगी में खुदा अपनी नेकी का कमाल ज़ाहिर करता आज अगर कोई चाहे तो अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे सकता आप कह सकते हैं क्या है खुदा उन मेरी तो जबान पर बदी बसी हुई है मैं तो बिल्कुल अंधेरे में हूं और मैं तो अपनी निजात कमाने के लिए नेक काम करता तो बात बनती नहीं है खुदा कहेगा मेरे पास आ मैं तेरी जिंदगी में से तमाम अंधेरा निकाल दूंगा और अपने पाकरू को दे दूंगा लिखा है कि तोबा करो ताकि तुम्हारे गुना मिटाए जाए और तुम्हें खुदा की तरफ से वो बख्शिश मिले जिसका वादा किया गया है रूहल कुछ इनाम में तुमको मिलेगा मुजरिम को जब खुदावन के पास वो आता है तो लिखा उसको वो ताजपोशी करता है <laughs> जब ताजपोशी करता फिर उसको तकवीत मिलती रूहानी वह पाखरू वो अंदर से काम करने शुरू करेगा और फिर आपकी जिंदगी में वो बातें पैदा कर देगा जिन्हें दुनिया वाले देख कर हैरान होंगे और आप कहेंगे इसमें मेरा कुछ नहीं है तो खुदा का कमाल है <laughs> वह जो कामिल है उसका कमाल है देखो मेरी जबान बदल गई देखो अंधेरे में से रोशनी में वो ले आया है और अब खुदा वो काम कर रहा है मेरी ज़िंदगी में मैं भी हैरान हूं दूसरे भी कहते हैं बदल कैसे गया तो मैं उनको कहता हूं भाई साहब बदल सकते हैं आके तो देखो तोबा करके तो देखो वो तुम्हारी ज़िंदगी में माफी भी तुम्हें मिलेगी माफ़ी की खुशी नसीब होगी लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुदा की कुदरत ऐसे जाहिर होगी कि जो काम मैं कभी कर नहीं सकता था वो करेगा मेरी ज़िंदगी में से कर रहा है आप भी पास उसके आओ कह दो उसे मेरे प्यारे भाई छोटी सी दुआ है देखना फिर क्या होगा फिर खुदा का कमाल आपकी ज़िंदगी में जाहिर होगा खुदा ये मसीह का जलाल आपकी ज़िंदगी में जाहिर होगा वो दुआ यह है क्या खुदा मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरी नेकी असल में मेरे ही लिए है तेरे जलाल के लिए इसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा मुझे कबूल कर ले खुदा मुझे मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ यसु उसी पर ईमान लाने से आपका ताल्लुक खुदा के साथ बदल जाएगा उसकी ताकत आपके अंदर काम करेगी और आप हैरान होकर कहेंगे ये क्या हो गया क्या हो रहा है फिर आप कहेंगे आय बाप तेरा शुक्र हो आय बाप तेरा शुक्र हो आए बाप तेरा शुक्र हो आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी ही शुक्रगुजारी होगी खुशी होगी और आपकी जिंदगी से दूसरों को वो बरकत मिलेगी जिसकी दुनिया को जरूरत है आमीन